जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भास्कर जन्नी। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज 15 अगस्त, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज के दिन हमारा भारत देश जो है आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। अभी हम फिलहाल निकल चुके हैं जौनपुर के लिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल भास्कर जन्नी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं अभी जो है हम जौनपुर के लिए निकल चुके हैं। हालांकि गाइस यहां पर रुके हमें काफ़ी देर हो गई है, हमारी जो गाड़ी है वो आगे बढ़ ही नहीं रही है। यह उड़ियाल से जौनपुर तक के बीच में चलती है और इसका जो रीज़न है दोस्तों वो ये है कि जो सुहलदेव जो 22420 जो सुहलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस है आनंद विहार टर्मिनल से गाजीपुर सिटी जा रही है तो वो सामने से आ रही है। हालांकि दोस्तों वो लगभग 1 घंटे 10 मिनट के आसपास देरी से चल रही है जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा लेट हो रहा है। अब वो अभी सामने से यहाँ से निकलेगी तो ये आगे हमारी जो गाड़ी है ये आगे बढ़ेगी। तब तक दोस्तों तो गाइस फाइनली जो है कि इतने समय के बाद वेट करने के बाद हम काफ़ी समय से यहाँ पे रुके थे तो अब वो जो गाड़ी जो हम बताया आपको 22420 सुहलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस वो आ चुकी है। अब ये गाड़ी क्रॉस करेगी फिर हम लोग निकलेंगे जौनपुर। तो गाइस आप देख सकते हैं अब ये गाड़ी जो है कि VAV7 इंजन के साथ आ चुकी है। जैसा कि हमने बताया 22420 आनंद विहार टर्मिनल से चलकर गाजीपुर सिटी को जाएगी सुहलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो आप देख सकते हैं ये सामने से निकल रही है। इस हालांकि जो 22420 सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो निकल रही है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली गाइस काफ़ी देरी के बाद अब जो है कि हम निकल पड़े हैं। तो है गाइस फाइनली जो है कि अब हम छिपा चौराहे पर आ पहुँचे हैं जौनपुर में। तो यहाँ से हम आपको लेकर चलेंगे जेसिस के बाद वाजिदपुर तिराहा जिसका 900 रूप और लता मंगेशकर चौराहा हो गया है। फाइनली आपको हम दिखा देते हैं हम सिपा में हैं। दोस्तों ये सिपा का दृश्य है जो कि सिपा चौराहे पर का सामने जो सिपा चौराहा है उसके सामने जस्ट ऐसा लगा आप देख सकते हैं यहाँ पे सिपा का बोर्ड भी लगा है और फिलहाल आप देख सकते हैं इधर। तो हम दिखा दें आपको इधर से जब आप सामने से जाएंगे तो ये जो है कि जेसी चौराहे पे रास्ता जाएगा। इस साइड में हम आपको दिखा देते हैं, आइए हम आपको लेकर चलते हैं। तो फिलहाल अब जो है कि हम जो सिपा चौराहा है उसको धीरे धीरे हम स्किप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस चौकी जो सिपा की है उसको भी हमने स्किप कर दिया और आगे बढ़ते हुए अब हम जो है कि जेसी चौराहे की तरफ चलेंगे। गाइस ये सामने अभी आप देख सकते हैं ये राष्ट्रीय एकता जो वो प्रदर्शनी है वो लगी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ से। और अभी यहीं पे जस्ट ये सामने जो है कि इस समय जो कि तिरंगा यात्रा जो है कि वो निकली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस समय जो ये ब्रिज दिख रहा है ये ब्रिज शास्त्री ब्रिज है। हम जेसी चौराहे पे आ पहुँचे हैं तो आइए हम आपको जो जेसी चौराहे का दृश्य है वो दिखाते हैं। इसके बाद हम चलेंगे वाजिदपुर तिराहा जो जिसका 900 रूप अब है लता मंगेशकर तिराहा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं जेसी चौराहा। तो देख सकते हैं दोस्तों आप सामने ये जो है कि ये जेसी चौराहा है, आइए हम आपको नज़दीक से ले दिखाते हैं और सामने से। हालांकि दोस्तों इसे जेसी चौराहे के नाम से जाना जाता है लेकिन जो इसका मेन नाम जो मतलब मुख्य नाम है दोस्तों इसका जो है कि ये अमरावती चौराहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है। और इधर हम आपको दिखा दें राइट साइड में जिधर से हम खड़े इधर ये रोडवेज है यानी जौनपुर डिपो इसी साइड में है महज 50 मीटर की दूरी पर। अब दोस्तों जो है कि जेसी चौराहे के सामने वाला रोड आइए हम आपको दिखाते हैं इधर इस साइड से ये रोड ये है जो है कि वाजिदपुर तिराहे पे जाएगा जो कि अब इस समय उसका 900 रूप जो नाम है वो लता मंगेशकर तिराहा हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब यहाँ पे बसें जो है कि खड़ी हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाती हैं यहाँ से जो भी बसें हैं और उधर पीछे जौनपुर डिपो भी था। यही रास्ता है दोस्तों जेसी चौराहे से लगभग 200 मीटर की दूरी पर आपको वाजिदपुर तिराहा जिसका 900 रूप नाम लता मंगेशकर तिराहा हो गया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। हे गाइस फाइनली अब हम जो है कि वाजिदपुर तिराहा जिसका 900 रूप
लता मंगेशकर तिराहा हो गया है, तो वहाँ पे हम आप पहुँचे हैं। आइए अब हम आपको लेकर वहाँ पे चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे भीड़ भी लगी है काफ़ी सारी। तो आइए हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं, जो कि अब यह लता मंगेशकर तिराहे के नाम से जाना जाएगा, वाजिदपुर तिराहा जो है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लता मंगेशकर जी का जो है कि यहाँ पे मूर्ति लगी है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे भारत की जो कि मशहूर गायिका थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इस साइड, और बोर्ड भी लगा है आपको। आइए हम आपको बताते हैं इधर से, इस साइड से लेकर चलते हैं और बताते हैं कि जो वाजिदपुर तिराहे का जो रोड है वो किधर किधर जाता है। जो आप इधर सामने देख रहे हैं दोस्तों ये रोड दोस्तों सुल्तानपुर से होते हुए लखनऊ के लिए गया है, और इधर ये रोड जो आपको हम दिखाएं ये वाराणसी जाता है जलालपुर से होते हुए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि जो कि वाजिदपुर तिराहा था उसका जो नॉर्थ स्लोप है वो है लता मंगेशकर तिराहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने कमेंट में जरूर दें। जय हिंद, जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में।